Hello people and welcome inside the Mercedes-AMG GLE 43 Coupe. Quite a long name. अब जैसे ही आप इसका सेंटर कंसोल देखते हो, आपको ये पता चल जाएगा that this is from the older generation of Mercedes-Benz cars, क्योंकि ये अब तक अपडेट नहीं हुई है. The new generation of GLE is coming soon. नई GLE SUV के लिए bookings already open हो चुके हैं. The GLE has been a very popular SUV here in India. और ऑब्वियसली एक नया GLE कूप वेरिएंट भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है. आज जो वेरिएंट हमारे साथ है, दिस इज द मर्सिडीज एएमजी GLE 43 कूप ऑरेंज आर्ट एडिशन. अब इसका जो एक्सटीरियर वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें आपने नोटिस किया होगा दैट ऑन द फ्रंट बम्पर एंड ऑन द अलॉय व्हील्स आपको हल्का सा ऑरेंज शेड मिल जाता है. यू हैव सम ऑरेंज इंसर्ट्स जस्ट बिकॉज दिस इज द ऑरेंज आर्ट एडिशन. इंटीरियर्स में ये चीज आप कैसे नोटिस करोगे, तो जस्ट लुक एट द सीट्स. तो सीट पे ये ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग दिया गया है. मोर ऑन दिस जब हम डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले जब आप गाड़ी के अंदर आओगे, आप नोटिस करोगे इसके ऑल ब्लैक इंटीरियर्स. टू मेक इट फील प्रीमियम एंड लग्जूरियस, आपको हेल्दी डोज ऑफ लेदर अपहोल्स्ट्री, यू हैव सैटिन फिनिश, यू हैव एल्यूमिनियम इंसर्ट्स, यू हैव मैट ब्लैक, यू हैव ग्लॉस ब्लैक, ऑल ऑफ दैट. तो चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फैशन में बात करते हैं. स्टीयरिंग व्हील को जब आप देखोगे, दिस इज द टिपिकल एएमजी स्टीयरिंग व्हील contours for your thumb, और आप देखोगे perforated leather upholstery भी दी गई है, and you have a flat bottom design, दिखने में काफी अच्छा और काफी premium है, and it fits your hand very well. So come up close and I'm going to show it to you right now. Left hand side पे आपको buttons दिए गए हैं, these are for your MID. Right hand side पे जो buttons दिए गए हैं, these are for your telephone controls and for your infotainment. Use करने में काफी आसान है क्योंकि काफी बड़े buttons दिए गए हैं, and the feedback is quite nice. जब भी आप इसका स्पीडोमीटर क्लस्टर देखोगे, इट इज वेरी स्पेशल क्योंकि आपको ये चेकर्ड फ्लैग डिजाइन मिल जाती है अंदर इन द डायल्स, एंड आई रियली लाइक अ कन्वेंशनल नीडल सेटअप. अब नई जो मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां हैं या नई जितनी भी लग्जरी कार्स आ रही हैं हियर इन द इंडियन एंड द ग्लोबल मार्केट, आपको डिजिटल डिस्प्लेस मिल रहे हैं फॉर द स्पीडोमीटर क्लस्टर. आई रियली लाइक दिस. आई एम एन ओल्ड स्कूल गाय एंड आई प्रिफर इट दिस वे. बीच में आप देख रहे हो, आपको एक काफी अच्छा MID मिल जाता है. इट इज वेरी इजी टू रीड. फॉन्ट्स भी काफी अच्छे हैं. अभी जो आप देख रहे हो, दिस इज द AMG स्पेसिफिक लेआउट, AMG स्पेसिफिक डिस्प्ले. इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं. बाय द वे, लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है आपको इस गाड़ी में. देन यू आर गोइंग टू नोटिस यू हैव योर ट्रिप कंप्यूटर, जिसमें काफी सारा डेटा आपको दिखाई देता है. यू हैव योर नेविगेशन, यू हैव योर ऑडियो इनपुट्स, यू हैव टेलीफोन कंट्रोल्स, असिस्टेंस फंक्शंस जो भी आप यहां से सेट करना चाहते हो, एंड देन देयर आर अदर सेटिंग्स एज वेल. यूज करने में काफी आसान है, मेकिंग यूज ऑफ दीज बटन्स. स्टीयरिंग व्हील पे आप एक और चीज देखोगे, यू हैव पैडल शिफ्टर्स, बिकॉज दिस इज एन AMG, थिंग्स कैन बी इन योर कंट्रोल एज एंड व्हेन यू वांट एंड द वे यू लाइक. ये है इस गाड़ी का गियर सिलेक्टर. गियर कंसोल यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट इट इज हियर, टिपिकल ऑफ मर्सिडीज बेंज कार्स. इसके अलावा राइट हैंड साइड पे आप देखोगे बटन्स दिए गए हैं, दीज आर फॉर योर हेडलैम्प. और की जो है यहाँ पे पोजिशन की जाती है इस तरीके से कि यहाँ पे इंसर्ट होती है. दिस कार डजंट गेट अ स्टार्ट स्टॉप बटन, दिस इज फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन ऑफ मर्सिडीज बेंज कार्स. और नीचे, जस्ट बिकॉज दिस इज एन AMG, चेक इट आउट, यू हैव द स्पोर्टी पेडल्स, द ब्रेक एंड द एक्सेलरेटर पेडल, चेक इट आउट, इट लुक्स क्वाइट नाइस. काफी डिसेंट ग्रिप भी मिलती है बिकॉज ऑफ द रबराइज पोर्शन ऑन टॉप, एंड इट फील्स वेरी नाइस. तो चलिए अब बाकी सारी बात करते हैं. यहाँ पे इनसाइड द कैबिन सेंटर कंसोल एरिया में आप नोटिस करोगे, यू हैव द ओल्ड कमांड सिस्टम. इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जरूर मिलती है, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, लेकिन वो वायरलेस नहीं है. आपको एक केबल कनेक्ट करनी पड़ती है. केबल आपको इस आर्मरेस्ट के नीचे से कनेक्ट होती है. चेक दिस आउट, आई हैव इंसर्टेड माय केबल ओवर हियर. और इस आर्मरेस्ट में बाय द वे काफी डीप जगह भी है, तो आप काफी सारी चीजें यहाँ पे स्टोर कर पाओगे. यू हैव 2 USB पॉइंट्स ओवर देयर, एंड इसमें आपको एक स्प्लिट डिजाइन मिल जाती है. So if one of the user, one of the front occupant is resting his or her hand, आप सिर्फ half portion open कर सकते हो. Then coming back to this, the main infotainment, ये touch screen display नहीं है. इसको operate करने के लिए यहाँ पे आपको एक jog dial दिया गया है. But if you want to feel a little more connected to the car, or if you just want to show it off to your friends, ये एक feather touch control भी यहाँ पे मिल जाता है. तो check this out on my fingers and then check out the screen above. You are going to notice you can make changes this way. लेकिन गाड़ी चलाते वक्त आपको obviously ये jog dial जो है वो ही सबसे ज्यादा आसान feel होने वाला है.
Now, since this is the older generation of Mercedes-Benz infotainment systems, aap dekh sakte ho, you have a 6-CD changer. This is going to go away soon once the new GLE comes up. यहाँ पे तीन buttons हैं जो आपने notice करने चाहिए. Your Eco Auto Start Stop button, your Traction Control button, and this is for your parking controls. नीचे आपको Climate Control के buttons मिलते हैं. You have Dual Zone Climate Control at the front. पीछे के लिए अलग से Climate Control setting दी गई है, which we will show you when we get back. But you can have a close look right now. यूज करने में काफी आसान है ये बटन्स एंड द फीडबैक एंड इट इज जस्ट वेरी गुड वेरी इजी टू यूज और एयर फ्लो जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो राइट नाउ इट इज शोइंग डिफ्यूज इसको आप मीडियम और फोकस ये तीन मोड्स भी दिए गए हैं जस्ट टू सिलेक्ट द एयर फ्लो इन द फ्रंट कैबिन स्मार्टफोन रखने के लिए आपको कैबिन में यहाँ पे जगह दी गई है योर फोन स्टे देयर वेरी नाइसली एंड सिक्योरली नो वायरलेस चार्जिंग इन दिस कार दिस इज नॉट अ लेटेस्ट मर्सिडीज बेंज लेकिन एक कूल चीज जो ये है इस स्लाइडिंग कवर के नीचे आप देख सकते हो आपको दो कप होल्डर्स मिलते हैं एंड दिस इज हीटेड एंड कूल्ड तो ये जो बटन दिया गया है इसको एक बार प्रेस करोगे तो इट स्टार्ट्स कूलिंग योर बेवरेजेस प्रेस इट वन मोर टाइम देन इट स्टार्ट्स हीटिंग योर बेवरेजेस 8 डिग्री और 55 डिग्री ये दो वेरिएशन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे यू कैन ऑल्सो park some other things over here you have a cigarette lighter but smoking is injurious I do not recommend that coming to this floor console area yahan pe abhi aap dekhoge these are your controls for driving the car 5 modes milte hain aapko come up close you will see individual comfort sport sport plus and slippery to jaise hi aap yahan pe jog dial move karoge check out the main infotainment as well sport mode sport plus slippery And in individual mode, this will just allow you to play around with the car's settings the way you like it. ये जो बटन यहाँ पे दिया गया है, this is very important for the Indian market because इसको प्रेस करने के बाद आप गाड़ी की राइड हाइट जो है वो कंट्रोल कर सकते हो. So check this out. When I press this, you can notice there it is saying rising. तो गाड़ी की हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, and then it becomes that much more friendly here for the Indian terrain. सॉफ्ट टच मटेरियल ऑन द डैशबोर्ड यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है इवन दिस ग्लव बॉक्स कवर इज सॉफ्ट टच फील्स वेरी नाइस काफी आसान है ओवरऑल सारे कंट्रोल्स यहाँ पे बटन्स आर वेरी नाइस एंड बिग और ज्यादा टच कंट्रोल्स नहीं है उसकी वजह से होता यह है कि भले ही आप गाड़ी चला रहे हो तो एक टाइम के बाद आपको आदत हो जाती है इन सारे बटन्स की और आपको वो सारे चेंजेस करने के लिए ड्राइविंग पोजिशन पे से सामने से नजरें हटानी नहीं पड़ती हैं It just becomes that much more easier. Roof पे आप देखोगे, you have mirrors and lights for both the front occupants on these sun visors. यहाँ पे controls दिए गए हैं for your lights, of course, and then you can also open the sunroof. Now just check out how massive the sunroof is. Panoramic roof है और इतना open होगा ये. This is the amount of light that you can allow inside the cabin of course it feels special jab indian weather conditions zyada harsh nahi hai zyada sunny nahi hai aur zyada dusty nahi hai if you want to close this sun curtain you can do that as well just to you know prevent harsh sunlight here in the cabin kyunki is gaadi mein aapko ventilated seats nahi milte hain you do not have cooled seats heated seats bhi nahi hai I think this feature should become mandatory and standard in every luxury car here in India. Lekin abhi chaliye baat karte hain about seating comfort of this GLE 43 AMG coupe. To abhi aap dekh rahe ho main baitha hu in the driver seat this is at its lowest seat height lowest setting aur mujhe fir bhi kafi comfortably bonnet line bhi dikh rahi hai and there is a decent amount of light thrown inside the cabin as well. इतना हेडरूम आपको मिलेगा आई एम 5 feet 8 inches इन हाइट तो अगर आप 6 feet टॉल भी हो आपके लिए काफी अच्छी जगह है हियर इन दिस जीएलई कूप एंड देन लुक एट दिस लेदर सीट्स फैंटास्टिक लेदर अपहोल्स्ट्री फील्स वेरी नाइस फील्स वेरी प्रीमियम एंड सिंस दिस इज द ऑरेंज आर्ट एडिशन आप देख सकते हो देयर इज दिस ऑरेंज पाइपिंग हियर ऑन दी सीट्स इसके अलावा भी आपको कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग मिल जाती है टू मेक इट लुक दैट मच मोर प्रीमियम आगे के दोनों ऑक्यूपेंट्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर दी सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम दिस ड्राइवर डोर एंड ऑल्सो आपको मेमोरी फंक्शंस भी मिल जाते हैं फॉर बोथ दी फ्रंट ऑक्यूपेंट्स सो दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड टच अगर आप ये गाड़ी शेयर करते हो विथ
your family members, you can remember your seating position, your seating style, your driving style. This seat is very, very comfortable. Of course, आपको lumbar support adjustment भी मिलता है and it gives you very good lateral support. लेकिन क्या ये गाड़ी as a chauffeur driven purpose अच्छी होगी? क्या enough space है in the back seat? चलिए बैठ के देखते हैं and let's find out. Now to get inside this GLE coupe, this Mercedes-AMG GLE 43, थोड़ा आपको climb करना होगा for the second row, for the rear cabin. तो इतना आपको step लेना पड़ता है and then you can slide inside. अगर elderly लोग हैं आपकी family में तो side step भी provide किया गया है here so that you can make use of that just to make things easy. तो मैं अभी यहाँ पे side step पे पैर रख के काफी आसानी से climb in कर सकता हूँ in this car. Now check this out. My height is 5'8". This is a coupe. लेकिन फिर भी काफी respectable headroom है यहाँ पे in this car और मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है. But if you are 5'10" and 6'12", this is of course a little tight and it depends on your body type agar aapki upper body zyada badi hai ya nahi. Now maine driver seat jo hai apne seat height ke liye adjust ki hai. This is the amount of knee room that I get. Seat pe ye dekhiye kis tarike se ise contour kiya gaya hai yahan pe, to agar aap zyada lambe bhi ho there is just this extra amount of clearance. Foot room bhi kafi decent hai, main mere pair kafi aasani se move kar pa raha hu. Ye seat by the way at its lowest setting hai, fir bhi yahan pe kafi achhi jagah di gayi hai. सीट के पीछे आप देख सकते हो देयर इज अ मैप पॉकेट. पैसेंजर सीट के पीछे भी एक मैप पॉकेट दिया गया है सो यू कैन स्टोर सम एक्स्ट्रा स्टफ. फॉर द रियर केबिन मैंने आपको बताया था आपको अलग से क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग मिलती है. दिस हैज अ 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो यहां पे बटन्स दिए गए हैं. यू कैन सेट योर इंडिविजुअल फैन स्पीड, यू कैन सेट योर इंडिविजुअल टेंपरेचर और यहां पे आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस एसी वेंट्स जो हैं बी पिलर पे भी दिए गए हैं सो यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन द अदर एंड एज़ वेल. तो इसकी वजह से जो है आपको हवा जो है ठंडी हवा जो है आपके अपर बॉडी पे डायरेक्ट करने में आसानी होगी. आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि बी पिलर पे एसी वेंट दिया जाए फॉर द रेयर केबिन क्योंकि यहाँ पे जब वो पोजीशन किया जाता है इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव इन कूलिंग योर अपर बॉडी. आपके पैरों को तो ठंडी हवा जरूर पहुंच जाती है बट यू विल हैव टू कीप द फैन स्पीड वेरी हाई टू फील इट हियर ऑन योर फेस और योर अपर बॉडी. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. पीछे आप देख सकते हो तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं. यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है और आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर्स भी दिए गए हैं. ओवरऑल सीट जो है दीज लेदर सीट्स इसका कंपाउंड काफी अच्छा है एंड इट इज वेरी नाइस एंड सपोर्टिव और सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम फील हो रहे हैं. इवन माई लोअर बैक इज गेटिंग वेरी गुड सपोर्ट हियर इन द बैक सीट. अंडर थाई सपोर्ट की अगर बात करें तो मेरी हाइट के लिए फॉर 5'8" दिस इज डिसेंट इनफ. इसमें मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है. But if you keep your legs a little close to you and if you are a little taller, तो आपके knees जो हैं वो थोड़े upwards point करेंगे और आपको तभी under thigh support कम लग सकता है. But for me, this is not really a point of concern. यहाँ पे इस area में आपको एक और storage point मिल जाता है and you also have a charging point given to you know keep your electronics good to go on those long drives. Everything is nice. There is very good light thrown inside the cabin as well. ऑल ब्लैक इंटीरियर जरूर है, थोड़ा आपको डार्क जरूर लगेगा लेकिन जब आप ये सनरूफ का कर्टन जो है वो ओपन रखोगे देयर इज गोइंग टू बी इनफ एयरीनेस इन द केबिन. ऑफ कोर्स जब आप इसके बेज इंटीरियर वाले वेरिएंट्स खरीदोगे इट इज गोइंग टू फील मच मोर एरियर एंड लाइटर इनसाइड इन दिस केबिन. अगर आपको एक थर्ड ऑक्यूपेंट बिठाना है हियर इन दिस जीएलई 43, चेक दिस आउट, इस तरीके से उसे बैठना होगा. नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि एक जर्मन ऑल व्हील ड्राइव केपेबल एसयूवी में ट्रांसमिशन हम जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है. तो चेक दिस आउट, बिटवीन माय लेग्स दिस इज नॉट टू हाई तो मैं पैर यहां पे भी रख सकता हूं. आई हैव अ साइज 9 फॉर माय फीट एंड आई कैन स्टिल मैनेज माय फीट ओवर हियर एंड दिस इज जस्ट प्लेजेंटली सरप्राइजिंग. तो आप जेन्युइनली एक थर्ड पैसेंजर यहां पे बिठा पाओगे. दिस इज द अमाउंट ऑफ हेडरूम दैट ही और शी माइट गेट. सीट बेंच एरिया जो है वो साइड से थोड़ा आपको नैरो फील होगा एज अ थर्ड ऑक्यूपेंट बट इट इज एक्सेप्टेबल. लेकिन अंडर थाई सपोर्ट आपको बहुत कम मिलेगा बिकॉज़ चेक दिस आउट, सीट जो है इस एरिया में ज्यादा आगे तक लंबी नहीं है. सो दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. सीट बैक भी जो है यहां पे थोड़ा हार्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस आर्मरेस्ट. देन इफ यू वांट टू सिट इन द मास्टर सीट जो होती है फ्रंट पैसेंजर सीट के पीछे, मैंने इस सीट को ऑल द वे फॉरवर्ड पुश कर रखा है. चेक दिस आउट, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू विल गेट. तो जस्ट इन केस अगर आप एक स्पोर्टी एएमजी एसयूवी खरीदते हो
और अगर आपको ऐसी एसयूवी में एज अ बैक सीट पैसेंजर बैठना है, दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, दिस इज वेरी वेरी रिलैक्सिंग. चेक दिस आउट, लॉट्स ऑफ स्पेस, आई कैन स्ट्रेच माई लेग्स, वेरी नाइस, वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, नो कंप्लेंट्स एट ऑल. यहाँ पे केबिन में आपको लैंप्स दिए गए हैं, नाइस वार्म टोन लाइट्स, दीज आर एलईडीज ऑफ कोर्स, और यहाँ पे आपको एक कोट हुक भी दिया गया है. एंड जस्ट चेक आउट द ओवरऑल केबिन, लुक्स नाइस, द लेदर अपहोल्स्ट्री, द लेदर सीट्स एस्पेशली, आई रियली लाइक देम, एंड इट इज अ वेरी गुड व्यू इनसाइड इन दिस मर्सिडीज एएमजी जीएलई 43 कूप ऑरेंज आर्ट एडिशन. डोर पैड्स पे भी आप देखोगे, यू हैव दिस लेदर अपहोल्स्ट्री, यू हैव डिसेंट स्पेस टू स्टोर योर बॉटल्स, और काफी बड़े स्पीकर कटआउट्स भी हैं. ऑफ कोर्स यू हैव अ ट्विटर एंड अ स्पीकर ओवर हियर. लेकिन इसके बाद पॉइंट आ जाता है लगेज स्पेस का. दिस कार माइट बी गुड इनफ फॉर 5 पीपल, 5 लोग आसानी से शायद से इस गाड़ी में कम्यूट कर पाओगे. 3 स्लिम एडल्ट्स इन द बैक सीट शुड बी गुड, 2 एडल्ट्स एंड अ किड इन द बैक सीट शुड बी वेरी वेरी इजी. लेकिन क्या आप उतने लोगों का लगेज कैरी कर पाओगे? लेट्स पॉप ओपन द बूट एंड चेक दैट आउट. तो इस गाड़ी का बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है, प्रेस दिस एंड यू हैव एन इलेक्ट्रिक असिस्टेड टेलगेट. यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी चीजें हमने रखी हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्लाइड दिस बैग इनसाइड, तो आपको एक रेफरेंस आ जाएगा कितनी डेप्थ है यहाँ पे इन दिस बूट. आप देखोगे ये एक पार्सल ट्रे भी दिया गया है, इसे आप हटा भी सकते हो. तो जस्ट इन केस अगर आपको टॉलर बैग जो है यहाँ पे कैरी करनी है, यू कैन डू दैट. एंड बाय द वे आपको यहाँ पे एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, तो चेक दिस आउट, दिस इज एक्चुअली यूजफुल. तो ऐसा नहीं है कि इसके नीचे की स्पेस जो है वो कम्प्लीटली वेस्टेड है. टू क्लोज द बूट आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है, प्रेस दिस एंड देन यू आर गुड टू गो. तो कमेंट से मुझे बताइए क्या लगा आपको इस गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में. डू यू थिंक दिस मर्सिडीज एएमजी जीएलई 43 कूप इज लग्जूरियस इनफ ऑन द इनसाइड? क्या ये आपको स्पेशल लगती है? ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टूवर्ड्स द न्यूअर जनरेशन इन जस्ट अ फ्यू डेज टाइम, बट इफ यू वॉन्ट अ प्री ओन्ड कार, अगर आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी है, दिस माइट बी इन द मार्केट एंड दिस लुक्स क्वाइट गुड. जस्ट चेक आउट वेयर द बूट एंड्स, दिस इज अ कूपे बट इट्स स्टिल सो हाई. दिस स्टाइलिंग इज रियली रियली प्लीजिंग टू लॉट ऑफ दोज हु वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक. गुड बाय, ड्राइव सेफ, सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गियर्स के चैनल को, प्रेस दैट बेल आइकॉन, एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स.